दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। काफ़ी पेशेंट्स को मैंने बताई है और अच्छे रिजल्ट सामने आने लगे हैं। तो आपको केवल दूध में उसको घोल के पीना है, तो वो आपके काफ़ी सारे सिस्टम को ठीक करके चलेगी। अगर आपको हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपको डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, आपकी लिपिड प्रोफाइल बहुत गड़बड़ाती है, या फिर आपकी मांसपेशियों में भी दर्द रहता है। डॉक्टर साहब, हम रात को सोते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें दर्द होता है, पिंडली में बहुत दर्द होता है, घुटनों में कट-कट की आवाज़ आती है, तो ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है और लगभग 30 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति आप इसको ले सकते हैं। जाड़ों में लेंगे तो बहुत इफेक्टिव है, गर्मियों में लेंगे तो इससे बॉडी के अंदर गर्मी प्रोड्यूस हो सकती है। तो दोस्तों, आपको सिंपली रात में 1 गिलास गुनगुना दूध करना है। जिनको पेट के अंदर समस्या है वो ठंडा दूध इस्तेमाल करें, पेट बिल्कुल ठीक रहता है, इंडाइजेशन नहीं रहता है उनको, तो वो गुनगुना दूध इस्तेमाल करें। आपको इसमें एक लाना है, अलसी के सीड्स आते हैं, अलसी के सीड्स आते हैं जिसको फ्लैक्स सीड भी बोला जाता है, तो फ्लैक्स सीड आप लाइए। बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है और ये आपके पेट को भी ठीक रखेगा और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सारी चीज़ों को कवर करके चलेगा। सीड्स आप लाएंगे या आप इसका पाउडर लाइए, किसी भी अच्छी कंपनी का आप लाइए, या आपके नज़दीकी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको अगर सीड मिलते हैं आप सीड ले आइए, उसके आपको बीज मिलेंगे छोटे छोटे, आप ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत आसानी से मिक्सी में आप इसको डाल के घुमाएंगे तो ये बहुत आसानी से इसका पाउडर बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाउडर बना के आप उसको एक डिब्बे में भर के रख लीजिए, सिंपल। सेकंड, आपको अखरोट यूज़ करने हैं, वॉलनट जो होते हैं वो यूज़ करने हैं सर्दियों में। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपके जितने भी सिस्टम है जहाँ पे गड़बड़ चल रही है ये उसको ठीक करेगा। ओमेगा एसिड की इसके अंदर मात्रा है तो जो कि कोलेस्ट्रोल को कम करता है, घुटनों के दर्द में भी इसके काफ़ी अच्छे रोल देखे गए हैं। तो आप इसको लाइए और आप इसको आप पाउडर बना सकते हैं, उसके साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं खाया जाएगा आपसे, तो सिंपल कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात हो रही थी दोस्तों दूध की, तो आपने 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है और उसमें लगभग 1 चम्मच आपने फ्लैक्स सीड का पाउडर डालना है। ठीक है, जो अलसी के बीज है आपने उसको डालना है और अच्छे से आप उसको चला लीजिए और उसको आप पी लीजिए। दूध में अगर आप चीनी यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए, चीनी सभी को नुकसान देती है, कोशिश कीजिए। शक्कर आती है, शक्कर को आप लीजिए, जो गुड़ वाली शक्कर होती है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। पहले दिन से आपका कॉन्स्टिपेशन इस मेडिसिन से ख़त्म हो जाएगा जो मैंने आपको इसमें होम रेमेडी बताई है। तो फ्लैक्स सीड आप इसको लीजिए, अच्छे से चम्मच से इसको चला लीजिए और घोल के आप इसको पी लीजिए। साथ में इसके आप अखरोट के 2-3 पीस, जो वॉलनट है उसके आप 2-3 पीस भी चबा चबा के इसके साथ आप खाइए। सर्दियों सर्दियों आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 1-2 महीने इस्तेमाल कर लेंगे तो जो भी आपके अंदर समस्याएं हैं, इवन कार्डिक ब्लॉकेज भी है, डॉक्टर ने बताया कि आपका जो है कार्डिक जो ब्लॉकेज होने लगा है, मतलब आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रोल जमने लगा है, 20% बंद हुआ है, 30% ही आपकी आर्टरी बंद हो गई है, ये बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक के चांसेस हैं, तो सारे से रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। कंटिन्यू आप इसको यूज़ तो कीजिए। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, पेट की समस्याएं हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, तो पहले दूसरे दिन में ही उससे जो है आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जिन महिलाओं को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो इसको गर्मी में इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये गर्म कैटेगरी का माना गया है। जो कि इसको आप ज़्यादा लेंगे, कुछ ही पेशेंट्स में बता रहा हूँ, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि हम वो डॉक्टर साहब हम जो है इसको ले रहे थे 1 चम्मच और हमें जो है गर्मी महसूस होने लगी है, खास करके जो 1 चम्मच डालते हैं पूरा और तेज़ गर्म दूध में लेते हैं और गर्मियों में लेते हैं, खास करके महिलाएं, तो उनके अंदर ये समस्या देखी जाती है। वरना इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बात आती है मेडिसिन की, आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इनके अंदर ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छी इनके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अगर आपके अंदर ये समस्याएँ हैं। तो आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है जहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।